कंगना रनौत के कैन फिल्म फेस्टिवल 2018 के विजिट के दौरान उनका एक वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, जिसके बाद उनके फैंस उनसे काफी ज्यादा खफा हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द वीडियो फर्स्ट। कंगना रनौत और जिम सर्प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में जिम को रेप पर एक जोक करते हुए दिखाया गया है और कंगना इस जोक पर हंसती हुई दिख रही है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जिम के जोक पर कंगना काफी तेज हंस रही है और हर जगह कंगना को इसे लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि कंगना इसीलिए भी टारगेट बन रही है कि वो फेमिनिस्ट इशू को लेकर आवाज उठाती आई है और अब उनका रेप जैसे सेंसिटिव इशू पर हंसना लोगों को पसंद नहीं आया है। वैसे ये वीडियो पूरा नहीं है, इसके कुछ पार्ट को ही सोशल मीडिया पर दिखाया गया है। ऐसे में अब कंगना के रिएक्शन का सबको है इंतजार। ऐसे टाइम पे जहाँ पर इंडिया में रेप केसेस हो रहे हैं, इतने बड़े इशू बन रहे हैं हाल फिलहाल में, वहां जाकर कैन में रेप वर्ड यूज करके जोक करना आई थिंक वॉज हाईली इनसेंसिटिव। दैट्स नॉट कूल, दैट्स नॉट एट ऑल कूल। आई मीन रेप जोक्स आर नॉट एट ऑल फनी एंड आपको यू नो अपने जोक्स में, अपने जिम जोक्स या फिर पार्टी सेशंस में रेप वर्ड को यूज करके जोक बनाना इज नॉट एट ऑल कूल, स्पेशली व्हेन यू आर अ सेलिब्रिटी। एब्सोल्युटली, हजार कैमरे हैं आपके, आप पर इन्फ्लुएंसर हो आप, लोग आपको फॉलो करते हैं और क्या सोचेंगे लोग अगर आप इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म में आकर एक जोक बना। ठीक है, लाइट मोमेंट हुआ होगा वहां पर सबके साथ, बट आपको ये समझना चाहिए कि आप एक इन्फ्लुएंसर हो। एंड यू नो अभी तो ये वीडियो पूरी तरह से सामने आया नहीं है, बट जितना भी सामने आया है उसमें ये पता चल रहा है जिम सर ने एक जोक क्रैक किया एंड उसके बाद कंगना ने उस पर हंसा। अब क्या एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट क्या सिनेरियो रहा होगा उस दौरान, ये अभी पता नहीं चला है। बट आई जस्ट होप कि कंगना मीडिया इंटरेक्शन करे और क्लियर करे, अगर गलती की है तो कंगना और जिम दोनों पब्लिक से माफी मांगे, बिकॉज यू नो दिस इज नॉट एट ऑल फनी। बिकॉज जिस पे बीतती है सिर्फ आप उसी इंसान से जान सकते हैं कि कैसा फील होता है, एक लाइफ लॉन्ग आपके दिमाग में रहता है। बिल्कुल, और सोशल मीडिया पर इसका आउटरेज दिख के आ रहा है, लोग बहुत अपसेट है एंड क्यों ना हो, क्योंकि इशू ही इतना बड़ा है। यहाँ पर ट्विटर पे काफी लोग जो है इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। राजीव कहते हैं, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड इन दैट एंटायर ग्रुप हु वर लाफिंग एट अ रेप जोक। बीइंग अ जिम सर्प फैन, ही इज अ फैन ऑफ जिम सर्प, आई एम डिसअपॉइंटेड इन हिम मोर फॉर मेकिंग अ जोक लाइक दिस। यू नो देयर इज वन मोर लेडी, उनका नाम है करिश्मा, उनका कहना है दैट यू नो डियर जिम सर्प एंड कंगना रनौत, रेप जोक्स आर नॉट फनी, रेप इज नॉट अ जोक, इफ यू टेल और लाफ एट जोक अबाउट रेप you are a part of the problem. Definitely, this is not a surprise. ये तो होना ही था social media पर. आपको क्या लगता है? Share your views with us. तो इस sensitive issue पर social media पर भी काफी rage आया है और comments आए हैं. Beautylicious freaks कहती है, things jobless celebs do to stay in relevant news. Okay, that's an jobless नहीं है, but yeah, जो किया है वो बहुत गलत किया है. कोमल मतलानी का कहना है, not surprised to hear this from Bollywood. Every action has a reaction. If Bollywood celebs are trolled, it's because of their own action and statement, and then they complain like a cry baby. Whoa, that's a strong statement. Dolly says, it is a disgusting thing to say. A rape is not a joke, and a joke about rape isn't funny. To we agree with you.